गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थर्ड पार्ट को जीवा। तो ऑलरेडी हमरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्टा कंप्लीट ही होई। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कौन सीखल टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला। सेकंड पार्ट में हमरा किंतला साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ए टाइप रो किछ क्वेश्चन एग्जाम रे पड़े। कौन अच्छे टेन इनवर्स एक्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स, तो एक्स रिलेटेड क्वेश्चन। ये तुमको कौन पचारे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स रो वैल्यू फाइंड करवा। तो देखो स्टूडेंट सिंपल सेम फॉर्मूला भी सेम यूज करवा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन दे टेन इनवर्स टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स इज इक्वल टू के पाई बाय फोर। तो देखो स्टूडेंट आपको कैसे करवा, सेम टेन ए प्लस बी फॉर्मूला एक्स कनसीडर करा, एटा को वाई कनसीडर करा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन माइनस एक्स वाई थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो देखो स्टूडेंट टेन इनवर्स को सेपट को नहीं जाओ, तो यहाँ के हमारा फाइव एक्स डिवाइड बाय वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर। तो स्टूडेंट आम जानू टेन पाए फोर वैल्यू के वन, तो फाइव एक्स डिवाइड बाय वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। वे गोटे साइड को नहीं आस, फाइव एक्स माइनस वन प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। पावर हिसाब से सजे दियो, तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देख पार्छ स्टूडेंट गोटे इक्वेशन क्रिएट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करवा, तो हमें से बी स्क्वायर माइनस फोर एसी फॉर्मूला यूज करदे। तो हमारा फॉर्मूला कौन अच्छे, इक्वेशन कौन है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये ए के सिक्स बी के फाइव आउ सी के माइनस वन। तो फॉर्मूला यूज कर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाय टू ए। देखो स्टूडेंट एटा चाहिए तुम मिडिल टर्म रे भी यूज कर फॉर्मूला भी यूज कर। तो माइनस बी तो कैसे हो, तो माइनस फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर फाइव रो स्क्वायर माइनस फोर ए हूँ सिक्स सी हूँ माइनस वन रूट अंडर डिवाइड बाय टू इंटू ए हूँ सिक्स। तो माइनस फाइव प्लस माइनस यहाँ हूँ ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस, तो फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर इंटू वन तो दैट इज ट्वेंटी फोर रूट अंडर डिवाइड बाय ट्वेल्व। तो माइनस फाइव प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फोर दैट इज फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन रूट ओवर बाय ट्वेल्व। तो कैसे हुई वैल्यू स्टूडेंट, माइनस फाइव प्लस माइनस फोर्टी नाइन रूट ओवर हो सेवेन डिवाइड बाय ट्वेल्व। तो थोड़े हमें प्लस करवा थे माइनस करवा, तो हमारे वैल्यू के माइनस फाइव प्लस सेवेन बाय ट्वेल्व गोटे माइनस फाइव माइनस सेवेन बाय ट्वेल्व। तो देखो स्टूडेंट सेवेन माइनस फाइव दैट इज योर टू, तो टू बाय ट्वेल्व मीन्स वन बाय सिक्स, तो यहाँ गोटे वैल्यू। सेम लॉजिक माइनस फाइव माइनस सेवेन तो माइनस ट्वेल्व बाय ट्वेल्व दैट इज योर माइनस वन। तो आम पाखे दुईटा वैल्यू मिलला, एक्स रैल्यू गोटे हूँ वन बाय सिक्स आउटे एक्स रैल्यू हूँ माइनस वन। बुझिपाल स्टूडेंट, तो सो इजी एई टाइप रे तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर। तो वीडियो पॉज करके लिखी दियो फर्स्ट। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन टा हमरा कंप्लीट हो गला, एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जीवा। तो सेम लॉजिक स्टूडेंट देखो, से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला पकेबा। तो कौन हम फॉर्मूला को स्टूडेंट टेन इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाए बाय फोर। टेन इनवर्स को एपट को नहीं आस, सेम लॉजिक। तो कौन है जो स्टूडेंट आमर एक्स माइनस वाई बाय एक्स एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय वन माइनस एटा इंटू कर दियो। तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय तले देख ए माइनस बी ए प्लस बी। देख पार्छ स्टूडेंट एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एपट पड़े आसला, तो टेन पाई बाय फोर। देखो स्टूडेंट ए कौन करवा तले एलसीएम के एक्स माइनस टू एक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ताको ये डिवाइड कल,
तो केते पहुंचला ऊपर x माइनस 1 आ ऊपर कोन रहबो x प्लस 2 प्लस एठी एको एठी डिवाइड करला तो x माइनस 2 तो x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय तो एलसीएम नै जो स्टूडेंट तो केते होचे एटा x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1045 ता वैल्यू केते गला 1 तो देखो स्टूडेंट एटा भी a प्लस b एटा भी सॉल्व करले केते बाहरियो x स्क्वायर माइनस 4 तो x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो गेला तो हमर बचला केते ऊपर एटा को मल्टीप्लाई कर दियो तो x x into x x स्क्वायर x into 2 तो प्लस 2x माइनस 1 into x तो दैट इज योर माइनस x माइनस 1 into 2 तो दैट इज माइनस 2 कंप्लीट प्लस या क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करो x into x दैट इज आवर x स्क्वायर x into माइनस 2 तो माइनस 2x 1 into x दैट इज आवर x 1 into माइनस 2 दैट इज आवर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय हमर केते रु स्टूडेंट तळे x स्क्वायर माइनस 4 x square minus 4 minus x square minus 1 is equal to our value kete student 1 chalo ako simplify ti kara to simplify kale kete aschi dekho student x square 2x minus x to 2x to dekho student id cancel ho chi plus 2x minus 2x cancel plus x minus x cancel minus 2 minus 2 to minus 4 divided by x square minus 4 minus x square minus 1 is equal to 1 तो x square minus 4 divided by इड़ा bracket open कर दियो x square minus 4 minus x square plus 1 is equal to 1 तो देखो student कौन हो ची plus x square minus x square cancel x square minus 4 divided by minus 4 plus 3 minus 4 plus 1 that is minus 3 is equal to 1 cross multiplication कर दियो x square minus 4 is equal to minus 3 तो x square is equal to minus 3, minus 4 होचे, सपोड़ होगा लाइफ पॉंड आगला, plus 4, तो x square is equal to 1, x is equal to 1 root over means plus minus 1, मुझ पहला student, तो x रो वेल्यू बोटे केते plus 1, x रो वेल्यू बोटे केते हला, minus 1, मुझ पहला student, तो वीडियो पॉज करके लिखी दियो, तो देखो स्टूडेंट ए भीतर हमर नंबर 2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गेला तो सेम लॉजिक नंबर 3rd तो नंबर 3rd क्वेश्चन कोन कहै छी tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4 तो देख पर छी स्टूडेंट केते इजीली हम आराम से प्रॉब्लम उडा सॉल्व कर छु हला तो मैं देखो स्टूडेंट जति हम भाबु सेते टफ नु है जस्ट खाली फार्मूला लर्न कर ओ आराम से तुम्हें आराम से क्वेश्चन उड़ा सॉल्व कर परियो हला तो चलो स्टूडेंट सेम लॉजिक रे करबा तो कोन करबा एटा को tan इनवर्स तो एटा को x बोली भाबो एटा को y बोली भाबो एटा को x बोली भाबले एटा को y बोली भाबले तो कोन हो फार्मूला x plus y डिवाइड बाय 1 minus x into y इज इक्वल टू π/4 बस tan को सपोर्ट नै जाओ तो पोटे कोन रहला x/2 प्लस x/3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस x^2/6 इज इक्वल टू tan π/4 tan इनवर्स अपडो पळे असला tan π/4 हे गला तो स्टूडेंट एडी एलसीएम केते होचे 6 6 ए टू डिवाइड करला तो 3 तो ऊपर 3x 6 को एडी डिवाइड करला 2 तो ऊपर 2x डिवाइड बाय एठी एलसीएम 6 माइनस x^2/6 इज इक्वल टू 1 ए 6 कैंसिल तो हमरा कोन बचला स्टूडेंट ऊपर 5x डिवाइड बाय 6 माइनस x स्क्वायर 6 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो 5x इज इक्वल टू 6 माइनस x स्क्वायर तो गोटे साइड को नै आसो 5x माइनस 6 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मुझ पर स्टूडेंट मन केते हाईएस्ट x रो हाईएस्ट पावर टा केते होछ x स्क्वायर सेडा पॉजिटिव होबा कथा जेमति हेले भी हला तो कोन हेगला x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 सला सिंपल लॉजिक एको भी मिडिल टर्म करो आंसर आसी जीवो एबो जे आपको मिडिल टर्म करू छी x स्क्वायर तो कोन करे स्टूडेंट माइनस 6x
प्लस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखो स्टूडेंट सिक्स एक्स रू एक्स पड़ेगा तो फाइव एक्स सिक्स इंटू माइनस वन दैट इज सिक्स माइनस सिक्स ठीक अच्छे। तो एक्स कमन नहीं गले एक्स प्लस सिक्स एट भी एक्स प्लस सिक्स हम तो माइनस वन कमन नहीं गली इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस सिक्स गोटे फैक्टर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो गोटे फैक्टर। देखो स्टूडेंट या तो कंपेयर कर तो एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स एटा गोटे वैल्यू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन तो यहाँ गोटे वैल्यू बुझे स्टूडेंट। तो यह सब हूँ एक्स र वैल्यू। देखो स्टूडेंट ये गोटे जिनस मार्क कर तो मैं टेन विषय आम कनसेप्ट कर टेन में एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स एटा नॉट पॉसिबल। तो एक्स रैल्यू के खाली एक्स इक्वल टू वन कहीं एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स दैट इज नॉट पॉसिबल। तो थर्ड खाली एक्स रैल्यू के दैट इज एक्स इक्वल टू वन है। तो वीडियो पॉज कर लिखी दिए स्टूडेंट तो देखो स्टूडेंट ये आठ नंबर क्वेश्चन टाक देख नंबर एट क्वेश्चन टा ये प्रीवियस ईयर एग्जाम पढ़ी पेला फोर मार्क्स रो। तो क्वेश्चन कौन देखे साइन इनवर्स एक्स बाय क्यू डिवाइड बाय पी माइनस क्यू रो रूट अंडर इज इक्वल टू कौन देखिए प्रूफ करेंगे कॉस इनवर्स पी माइनस एक्स डिवाइड बाय पी माइनस क्यू रो रूट अंडर इज इक्वल टू cot inverse p minus x root under divided by x minus q total root over अच्छे हाला। ये क्वेश्चन है फोर मार्क्स पढ़ चला। तो देखो स्टूडेंट बहुत इजी अच्छे किसी ना आम साइन को नहीं या प्रूफ करार अच्छे साइन को नहीं या प्रूफ करार अच्छे। तो देखो सल्यूशन कमी कर तो लेट एक्स इज इक्वल टू नहीं जाओ लेट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी माइनस क्यू डिवाइड बाय सॉरी कौन दीजिए क्वेश्चन एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाय पी माइनस क्यूर रूट ओवर यहाँ हूँ आम साइन इनवर्स साइन को एपटे नहीं आस दैट मीन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू बाय पी माइनस क्यू। देखो स्टूडेंट टोटल रूट ओवर अच्छे तो यार रूट ओवर इज इक्वल टू यार रूट ओवर है। आम जानू ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला साइन एक्स इज इक्वल टू कौन पी बाय एच आम साइन फॉर्मूला कौन पी बाय एच तो दैट मीन आम पी के एक्स माइनस क्यू रो रूट अंडर आउ एच के पी माइनस क्यू रो रूट ओवर। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बी बाहर करिया तो बी रो फॉर्मूला कौन दीजिए स्टूडेंट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रो रूट ओवर। तो एच एच के पी माइनस क्यू रो रूट ओवर रो स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी के एक्स माइनस क्यू रो रूट ओवर रो होल स्क्वायर रो रूट ओवर बुझे स्टूडेंट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर तेरे के देख स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट ओवर कटेगा ये स्क्वायर रूट ओवर कटिगला तो कौन बचुच्छे पी माइनस क्यू माइनस एक्स माइनस क्यू रूट अंडर। तो मुझे ब्राकेट ओपन कर दूसरी पी माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस क्यू रूट अंडर तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैनसल तो कौन बाहर मोर पी माइनस एक्स रूट ओवर यहाँ मोर कौन बाहर बी बुझा स्टूडेंट। चलो एवं वन बै वन प्रूफ करवा स्टूडेंट वी नो आम जना cos x इज इक्वल टू आम जानी कौन बी बाय एच cos x इज इक्वल टू कौन बी बाय एच। तो x इज इक्वल टू आम लिखिपर cos इनवर्स बी बाय एच तो cos इनवर्स बी तो बी के बाहर आमर पी माइनस एक्स र रूट ओवर डिवाइड बाय एच के आम एच के गिवेन अच्छी पी माइनस क्यू र रूट ओवर। तो देखो स्टूडेंट या आम कंबाइन कर लिखिपर cos इनवर्स पी माइनस एक्स बाय पी माइनस क्यू र रूट अंडर बुझे स्टूडेंट। देखो आमर यहाँ प्रूफ हो गला सिमिलरली cot को प्रूफ करार अच्छे लिख वी नो cot x इज इक्वल टू तो cot आमर कौन b बाय p तो x इज इक्वल टू cot इनवर्स b बाय p। तो चलो स्टूडेंट तो x इज इक्वल टू cot इनवर्स b b के बाहर आम p माइनस एक्स रो रूट ओवर डिवाइड बाय p तो p के दे x माइनस क्यू रो रूट ओवर। तो देख स्टूडेंट मोर आसीगला p माइनस एक्स रो रूट ओवर डिवाइड बाय x माइनस क्यू रो रूट ओवर बुझा स्टूडेंट। तो कते इजी अच्छे स्टूडेंट देख पार स्टूडेंट तो नंबर एट आम नंबर थ्री जाए सरीगला। तो वीडियो पॉज करके लिखिदि
देख स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें करिवा तो कौन दिच हमरा 10 इनवर्स 2 प्लस x प्लस 10 इनवर्स तो सेम लॉजिक अप्लाई करा तो 10 इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस a इनटू b इज इक्वल टू कौन अच्छे 10 इनवर्स 2 बाय 3 देखो स्टूडेंट 10 इनवर्स कैंसिल तो कौन बचला तो सिंपलीफाई करो 2 प्लस 2 4 माइनस कितने ला x तो प्लस x माइनस x कैंसिल तो कौन बचला ऊपर खाली 4 डिवाइड बाय 1 माइनस a प्लस b a माइनस b तो कौन बचा ची 4 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3 तो सिंपलीफाई करो 4 बाय ब्रैकेट खोल दियो 1 माइनस 4 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3 तो 4 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 1 माइनस 4 तो माइनस 3 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो स्टूडेंट तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले 12 4 3 into 4 12 एटा से पडो पळेबो तो 2 into minus 3 plus x square तो 12 is equal to minus 6 plus 2x square तो कोटी ये सिंपलीफाई करी लिखे स्टूडेंट तो 2x square minus 6 तो स्टूडेंट 12 अछि तो भितरु नै आसो नहले गुटे काम कर is equal to 2x square is equal to minus 6 को से पडो नै आउछि तो 12 minus 6 हला सॉरी 12 minus 6 अछि से पडो वाला कोन आइजो plus 6 कुछ पहले स्टूडेंट minus 6 अछि एपडो असला plus 6 हेगला तो 2x square is equal to 18 x square is equal to 9 x is equal to केते हला plus minus 3 कुछ पहले स्टूडेंट plus minus 3 आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझि पारथिबो तो वीडियो पॉज करी लिखि दियो तो होप स्टूडेंट तुमको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लागथियो आ तुम आराम से बुझि भी पारथियो तो स्टूडेंट ए टाइप रो क्वेश्चन तुमरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे आराम से बड़े 4 मार्क्स क्वेश्चन तुम पाई जइबो हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे छि तुमरो tan इनवर्स x - 2 डिवाइड बाय x - 4 प्लस tan इनवर्स x + 2 डिवाइड बाय x + 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4 देखो स्टूडेंट ए टाइप रो क्वेश्चन हम ऑलरेडी करि सरचो बस सेम लॉजिक अप्लाई करो तो कौन लिखेंगे tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाय 1 माइनस a इनटू b इज इक्वल टू पाई बाय 4 स्टूडेंट tan इनवर्स को सपोर्ट नहीं जाओ तो एडी कौन हो स्टूडेंट देखि दियो x माइनस 4 x प्लस 4 एडा हला हमरा एलसीएम एको एडी डिवाइड करलो तो कौन बचला ऊपर x माइनस 2 x प्लस 4 प्लस एको एठी डिवाइड करो तो कौन बचबो x प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू डिवाइड बाय तेठी भी देखो स्टूडेंट एलसीएम केते होजे x माइनस 4 x प्लस 4 तो एडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले x माइनस 4 x प्लस 4 माइनस x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू देखो स्टूडेंट 10 इनवर्स एपडो पळे असला तो कोन हेगला 10 पाई बाय 4 तो एडा एटा एलसीएम कटि गला तो ऊपर कोन बचो स्टूडेंट देखि दियो एडा मल्टीप्लाई कर देबा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 प्लस एडा केते बचो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाय हां डिवाइड बाय देखो स्टूडेंट a माइनस b a प्लस b तो आपको लिखियो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस एटा भी सेम होची a माइनस b a प्लस b तो कौन लिखिबा a स्क्वायर माइनस 2 रो स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 1045 रे वैल्यू केते स्टूडेंट 1 देखो स्टूडेंट 80 प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल प्लस माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल तो बंचला केते हमरो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 8 तो माइनस 16 डिवाइड बाय एडा स्टूडेंट देखो ब्रैकेट जदि मैं ओपन कर दूची केते होची
x square minus 16 minus x square plus 4 is equal to 1. तो plus x square minus x square cancel. तो 2x square minus 16 divided by minus 16 plus 4. तो minus 12 is equal to 1. तो 2x square is equal to 2x square minus 16 is equal to, देखो स्टूडेंट अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो, तो minus 12, तो 2x square is equal to minus 12, minus 16 से पढ़ो पढ़ेला, plus 16, 2x square is equal to 4, 16 to 12 गला 4, x square is equal to 4 by 2, तो that is your 2, तो x is equal to, कहता हूँ स्टूडेंट, root 2, that is plus minus root 2. Much well, student, so that is your x value. Hala? So, video pause kari likhi jai student. So, tee vitra amara number 5 bhi complete hai gala. So, student, number 6 question ta, what a trick question ta. तो कौन दे स्टूडेंट tan इनवर्स cos x minus sin x होल डिवाइड बाय cos x plus sin x इज इक्वल टू एटा कौन दे स्टूडेंट प्रूफ दे छि प्रूफ दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 minus x मुझ पहला स्टूडेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा तो स्टूडेंट ए क्वेश्चन हम कर दउ छि ए क्वेश्चन तुमको होमवर्क छाडू छि तुम एटा घरे ट्राई करियो तो कौन करियो मु तो आईडिया दे दउ छि देखो स्टूडेंट एटा को भीतर को नै आसीबो माइनस ए जो इज इक्वल टू 0 तबे कोन करियो स्टूडेंट देखो 10 a प्लस b फार्मूला पकाओ 10 a माइनस b फार्मूला पकाओ तापरे 0 से इक्वेट करो हला त आंसर तमरो आसी जबो हला स्टूडेंट चलो लास्ट क्वेश्चन टा को कर देउ छी हला देखो स्टूडेंट ए क्वेश्चन रे फर्स्ट में कोन करले डिवाइड cos x बोथ nm एंड dm तो ऊपर आ तळे न्यूमरेटर आ डिनोमिनेटर cos x डिवाइड करली तो कोन हे जबो tan inverse तो कौन जो देखो स्टूडेंट cos x by cos x minus sin x by cos x divided by cos x by cos x plus sin x by cos x तो tan inverse तो देखो स्टूडेंट एटा कटि गेला 1 minus एटा केते गेला 10x by एटा कटि गेला 1 plus 10x देखो स्टूडेंट एबे tan इनवर्स तो 1 को मु लिख परबी tan 45 माइनस 10x डिवाइड बाय ए 1 को 1 रखली प्लस देखो स्टूडेंट 10x को मु 1 into 10x लिख परबी बे 1 जगह रे मु कोन लिख परबी tan 45 into 10x तो एमति लिखियो रे स्टूडेंट मोर मोटिव कोन तो केटा एडा फार्मूला आसी गेला फार्मूला रे कन्वर्ट हे गेला कोन होची tan इनवर्स एडा कहि परे 10 a माइनस b फार्मूला तो tan पाई बाय 4 माइनस x तो tan tan इनवर्स कैंसिल तो फाइनल आंसर केते आसला पाई बाय 4 माइनस x दिस इज आवर प्रूफ मुझ पहला स्टूडेंट तो ए टाइप रे तुम क्वेश्चन उडा करबो बहुत ही इजी तुम आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चन करो तापर जदी किसी प्रॉब्लम होला हमको कमेंट सेक्शन रे कहिबो कि मोर पर्सनल नंबर भी तुमको वीडियो लिंक रे मिल जइबो त मते कॉल करी कहि परियो हला देखो स्टूडेंट तो मैथ रिलेटेड किछि भी प्रॉब्लम होची तुम हमको कांटेक्ट करो विदाउट एनी फियर किछि प्रॉब्लम हेले भी हमको तुम्हें कांटेक्ट करो हमें तुमको आराम से हेल्प करबो हला किछि भी प्रॉब्लम होची हला तो थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग